आज जो जो कुछ भी मेरे साथ छत्तीसगढ़ सरकार जो सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं उस जुल्म के वजह से, जुल्म को सहने के वजह से आप सभी लोगों के बीच में मैं आज खड़े होकर इतना कुछ कह रही हूँ, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, सरकार जो कर रही है, तो ये आप लोगों की समझने की जरूरत है। हम भी इस लड़ाई को लड़ते लड़ते कुछ हद तक समझ रहे हैं और काफी बुद्धिजीवी लोग, काफी स्टूडेंट, काफी लोग यहाँ आए हुए हैं। तो देखिए, इस लड़ाई का जो हिस्सा है, ये 2000 से अब तक 2016 हुआ, हमेशा नक्सल के नाम पे वहाँ बस्तर में लड़ाई चल रही है, कभी उस लड़ाई का खत्म ही नहीं होता। आखिर क्यों? तो ये या फिर आदिवासियों को मारना चाह रही है सरकार, तो क्यों मारना चाह रही है? अगर आदिवासी की जमीन लेना चाहती है तो क्यों लेना चाहती है? या फिर माओवादी की समस्या को खत्म करना चाहती है तो फिर उसकी क्यों नहीं कर रही है? कहीं ना कहीं सरकार इन तीनों चीजों में कहीं तो होगा ऐसा। तो मुझे ये लगता है, आप जितने भी आप लोग पेपरों में पढ़ते होंगे, मीडिया में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, हर चीज को देख रहे हैं, तो आज हमको ये लगता है कि जो जल जंगल जमीन है वहाँ की जो आदिवासी है छत्तीसगढ़ के, तो उनको तो उनके जल जंगल जमीन से ही बेदखल किया जा रहा है। और अभी तक पेपरों में तो बड़े बड़े शब्दों में ये दिया जाता है कि नक्सल को मार गिराया, नक्सलाइट वहाँ इतने तागातों में मुठभेड़ हुई है, तमाम चीजों को, और उसी चीज की हम वहाँ सभी लोग लड़ रहे हैं। तो हमेशा आदिवासी को नक्सल का नाम देके इस तरह मार के, एक सरकार हमेशा ये कहती है कि बस अपने आप को शाबाशी देती है, लेकिन आप सभी लोग वहाँ की जो स्थिति है, जो हालात है, उसको गौर से देखने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। अगर विकास के ये कहते हैं कि जैसे हमने आवाज उठाते हैं, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हो या फिर और भी संगठन हो या कोई ऐसे NGO हो या फिर इस बात ये कहते हैं, तो उनको लगता है कि विकास नहीं चाहते। विकास हम भी चाहते हैं, हमारे बस्तरवासी भी चाहते हैं, पर हमको ऐसा विकास चाहिए जो हमारी मानवता को बचा के विकास किया जाए, ना कि उसको मान्यताओं को खत्म करके। ये विकास कैसे हो सकता है? आज आदिवासियों को इतना मारा जा रहा है, सलवा जुड़ एक बार सलवा जुड़ लाया गया, कोबरा बटियाला लाया गया, कितने कैंप, कितने CRPF कैंप लगाया गया, और ये बस इतने तागातों में वहाँ फोर्स बढ़ाया जाता है और आदिवासियों को इस तरह से कत्ल किया जा रहा है। और बार बार ये बात आती है कि नहीं वो माओवादी है, माओवादी है। अभी जैसे कि गोमपाड़ वाले मुद्दे को हम लोग ने काफी समय लड़ा है, अभी पिछले महीने से, तो वो एक इनमें ना कि एक मतलब कुछ कुछ चीजें हैं जहाँ ऐसा हुआ है, आप लोग को समझने के लिए मैं ये बता रही हूँ। जो एक गोमपाड़ में एक इनमें नाम की लड़की रहती थी, जो गाँव की ग्रामीण थी, वो बुखार था, वो घर में सोई थी, उसको घर से उठा के ले गए। जब ले जाते दौरान माता पिता ने उसका विरोध किया, गांव वाले विरोध किए, तो बुरी हाल माँ बाप को भी मारा, उसको एक गोरखा जंगल में ले जाके मार दिया गया। मारने से पहले उसके साथ बताइए कितना निर्भरता के साथ उसके साथ ये किया गया, बलात्कार भी हुआ, उसके बाद उसके दोनों आंखों को निकाल देना, उसके कान काट देना, नाक काट देना, उसके शरीर को पूरी डेथ, उसके शरीर को पूरी टुकड़ों में करके एक झिल्ली में बांध के डेथ बॉडी को उसके माता पिता को देना, और ऊपर से इधर से ये कहते हैं कि नहीं वहाँ एक माओवादी को हमने मार गिराया है, गोरखा जंगल में एक माओवादी मारी। जब वो डेथ बॉडी को रख के हमको फोन करके ये बुलाया जा रहा था कि आप आइए, इसके इस डेथ बॉडी को देखिए, ये कोई माओवादी नहीं थी, ये ग्रामीण लड़की थी, इड़ में उसके साथ होके एक अवतार हुआ था। अगर हम कहना ये कहना, जब उसको जब आवाज हमको जब आवाज दे रहे थे, फोन कर रहे, जब हम जाने की कोशिश किए, तो हमको 400 लोग फोर्स ने मिलके चारों तरफ से रोक डाला, क्या वहाँ नहीं जा सकते? हमने कहा कि क्यों नहीं जाएंगे? अगर ये बात है कि वो आप माओवादी कह रहे हो, ग्रामीण कह रहे हो, हमको सच को तो जानने दीजिए, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमने अनशन भी किया तो भी हमको जाने नहीं दी। फिर हम इतना तो अब सीख ही गए हैं कि जेल की जिंदगी काटते काटते इतना 2.5 साल हमने जब जेल का जीवन काटा, तो इतना अनुभव हो गया है कि कानून की लड़ाई और एक लोकतंत्र ढंग से कैसे लड़ा जा सकता है। फिर हमने कोर्ट में फाइल कर दिए कि भाई ये किड़मे नाम की लड़की को गांव से उठा के ले गया और इसको मार दिया, और ये बता रहे हैं वो नक्सलवादी है, और उसका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तक नहीं दिया जा रहा है, तो उसको उस बेस पे हमने उसका वो केस कर दी और संज्ञान में लिया, कोर्ट में लिया। तो दोबारा हमने 12 दिन बाद उस लड़की का डेथ बॉडी निकाल के पोस्टमार्टम करने से पूरी बात पता चली कि वाकई इड़मे एक गाँव की ग्रामीण लड़की थी, और अब वो केस चल रहा है। अब बता इस तरह से वहां किया जा रहा है। इससे पहले एक कहना चाहिए इड़मो करके था, इड़मो 6 बच्चे का पिता है और वो रहता है माडुम में, तो उसकी औरत ने मुझे फोन करके बोलती है कि
दीदी आप आओ ना मेरे पति के साथ ऐसा। इड़मो को ले जाते हैं 3 बजे रात को पुलिस आती है, एक दिन रखती तीसरा दिन मार देते हैं। मारने के बाद उसको भी डेड बॉडी को घर ले जाके देते। तो जब हमने वहां जाके देखे तो उसमें देखने को मिला 6 बच्चे का पिता था और छोटे छोटे जुड़वा बच्चे थे लगभग 1 साल के, और वो महिला इतनी रो रही थी। तो हमको बहुत तकलीफ हुई। तो हम राजधानी में उन पूरे परिवार को लेके आए और डीजीपी के पास हमने ये कह के उनके टेबल के सामने अपनी सबूत देने की कोशिश किए। ये बताइए सर, ये इड़मो जिसको आपने नक्सलाइट बोल के पुलिस प्रशासन चाहे चार सरकार जिसको मार दिया, 1 लाख का इनाम घोषणा किया, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं 1 लाख का इनाम ये इड़मो कैसे हुआ? इड़मो के पास सरकार का दिया हुआ इंदिरावास है, वो 6 बच्चे का पिता है, उसकी ये पत्नी है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड, हर चीज है जो कि भारतीय नागरिक होने का दावा करता है। फिर आपका ये प्रश्न है ऐसा कैसे मारा? उन्होंने लिख दिया कि उसका मतलब इसकी जांच होगी। हम इंतजार कर रहे थे कि इसका जांच का कोई अच्छा रिपोर्ट आएगा, तो उसके बदले में क्या हुआ? अभी पर केमिकल अटैक करके हमी को धमकी दिया गया कि आप इस लड़ाई को नहीं लड़ोगे, आईजी कलूरी के खिलाफ नहीं जाओगे। मतलब हम ये इंतजार में थे कि शायद सरकार भी हमको एक सबूत देगी कि इड़मो कौन तार के, हम तो दे दिए, और वो कैसे कह रही कि 1 लाख का इनाम है। हम इंतजार में, उस इंतजार में कितना बड़ा केमिकल अटैक करके हमको हमारी स्थिति को ऐसा करके मेरी बेटी तक का धमकी, मेरे बच्चों को तक धमकी दे, ये है। तो वहाँ इस तरह की लड़ाई जो हो रही है, जो आदिवासियों के साथ होता है, महिलाओं के साथ इतना बलात्कार होता है, वो भी आप लोगों को कई बार सुनने को मिलता होगा। तो ये है कि महिलाओं के पास जाती है पुरुष, उनके तनों को निचोड़ना, उनके जैसा क्या, अगर महिला कैद गई है, कैद से आती है जब सुबह उठ के, अगर महिला कैद जाती है बच्चे को सुला के जब वापस आती है तो रास्ते में पुरुष उसको घेर लेती है, बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम माओवादी हो? तो बोलती है नहीं नहीं साहब, मैं माओवादी नहीं, मेरा बच्चा घर में है और मैं अपने बच्चे को दूध पिलाने जाऊंगी क्योंकि मैं इतने घंटे खेत में काम करके वापस आई। तो उसे ये सबूत पूछा जाता है तुम उस बच्ची की माँ है या नहीं हो, पहले अपनी तन को दिखाओ, फिर हम निचोड़ेंगे, फिर उससे दूध निकलता है तो हम आपको बताएंगे कि आप एक बच्चे की माँ हो। तो ये स्थिति का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। वहाँ की जो कुंवारी लड़कियां हैं वो जब जैसे पुरुष आती है तो किसी की भी मंगलसूत्र हो या चूड़ियां, अब ये है कि हमारे आदिवासी में तो खैर ये मंगलसूत्र या मतलब इस तरह का नहीं है रीति रिवाज, पर उनको ये समझ आता है कि नहीं नहीं ये तो पुरुष आएगी हमारे गले में शायद मंगलसूत्र को देख के छोड़ देगी, शादीशुदा महिलाएं इतना थक लड़कियां करके देखती हैं, तो भी उनके साथ बलात्कार होना, उनके तनों को मतलब इस तरह से वो करना, नोचना, ये सब करना, ये महिलाओं के साथ भी ऐसे बर्बरता के साथ वहाँ अत्याचार होता है। और फिर भी सरकार हमेशा बोलती है कि वो माओवादी है और वो माओवादी को मार दिया, ये है। तो ये झूठी तरह से सरकार कब तक ये लड़ाई लड़ते रहे, कब तक? तो उसी के इस पे हम लड़ रहे हैं और उसी की आवाज उठाते हैं। कई जर्नलिस्ट को, पत्रकारों को देखो, पत्रकार तो ये लोकतंत्र तरीके से उसका तो सही मतलब अधिकार है, तो कहीं भी अपनी बातों को लिख सकता है, कर सकता है, चाहे माओवादी का हो चाहे सरकार की, जब तक सरकार पे लिखता है तो सही रहता है। अगर उसी जगह एक आदिवासी का दुख दर्द को लिखता है तो माओवादी करके उसको जेल डाल दिया जाता है। तो यह है कि उनकी आवाज को मतलब ये कही है कि आप लोग तक पहुंचने नहीं दिया जाता। अभी देखिए जो इड़मे की कहानी हमने बता रहे थे, 9 अगस्त की क्रांति की हमने ऐलान कर दिए, 9 अगस्त की क्रांति में तिरंगा झंडा लेके, क्योंकि वो एक आदिवासी दिवस है, विश्व दिवस है, उस पे हम 9 अगस्त क्रांति को लेके तिरंगा झंडा लेके गोमपाड़ जाएंगे, वहां फहराएंगे वो। क्यों? क्योंकि गोमपाड़ में किसी भी प्रकार का ना राशन कार्ड है, ना आधार कार्ड है, ना उनको मतलब सरकार एक विकास बोलती है, कोई विकास नाम का कोई चीज नहीं वहाँ। ग्रामीणों किस तरह से ना मूल अधिकार नहीं है, स्वास्थ्य विभाग नहीं है, स्कूलें नहीं है, उनकी उनके चलने फिरने के ढंग की सड़कें नहीं है, तो फिर कैसे दिखा? अब इसलिए हम उस झंडे के तहत वहां जाके सरकार को ये बताना चाहते हैं, आप लोग आप सभी तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जिस गोमपाड़ में इड़मे को एक माओवादी करके मारते हैं, तो वो जो जंगलों में आदिवासी रहते हैं उनको तो सीधा सीधा सरकार ने एक ही बात कह के रखा है कि ये माओवादी, जब मारते हैं तो भी माओवादी, मारने के बाद भी इनामी रखा जाता है, जब जेलों में डालते हैं तो भी इनामी रखा जाता है। ऐसे ये वहाँ के जो आदिवासी के साथी ये सब हो रहा है। एक माओवादी का तो नाम मात्र है कि ये कहते हैं कि माओवादी को हमने इस तरह मारा या ये किया, ये सब सरकार का झूठी है, क्योंकि यह सभी को पता है कि आदिवासी के इसमें एक पैसा कानून के तहत मतलब एक एक्ट बना है जिसकी जमीन सरकार नहीं ले सकती है आदिवासियों की, तो उस एक्ट के तहत अगर सरकार लेना भी चाहेगी तो आदिवासी कभी नहीं देगी। कारण है क्योंकि वो शुरू से अपनी खेती किसानी करते हुए आए, तो उनसे कई बार
सरकार मतलब ये करने कोशिश भी की कि उसकी जमीन को इस तरह फुसला के या बातें करके या ग्राम सभा करने का भी कोई, तो वो नहीं देंगे क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर हमने जमीन दे दिए कंपनी लग जाएगा, ये सब हो जाने के बाद ज्यादा ज्यादा 3 पीढ़ी तो खा लेगा, उसके बाद का पीढ़ी का क्या होगा। अगर जमीन अगर हम सुरक्षित रखेंगे ऐसा रहेगा तो आने वाली सालों साल पीढ़ी इस जमीन में वो अपना जीवन यापन करेगी। इसलिए हम जमीन क्यों दें, किस वजह से दें, अगर तो इस तरह से उसके विरोध अगर होती है तो सरकार की नजर में माओवादी है तो अपनी जमीन क्यों देंगे। अगर अगर एक्ट बना है तो उसी का हित लेने की कोशिश करें, ग्राम सभा होती है उसमें उसमें पूछा जाए, लेकिन वो भी नहीं, पूरे को मारना। इसलिए सरकार को लग गया है कि हम उस एक्ट के तहत आदिवासी की जमीन नहीं ले सकते तो आदिवासी को हर हाल में मारना जरूरी है। जैसे सरकार ने अभी मतलब चावल दे देती है 35 किलो चावल जो 3 रुपए किलो या जो ऐसा करके दे रहे, उससे क्या कर रहे आदिवासियों को, उससे ये कर दे रही है कि आदिवासी बेचारे ये सोच रहे हैं कि हमको तो 35 किलो चावल मिल रहा है जिस तरह से हमारा परिवार का पालन पोषण हो रहा है। तो वो जो उनको जो कमाते थे वो जमीन, उस जमीन को ऐसे बंजर हो गया, वहाँ पर ज्यादा नहीं कमा, तो सरकार उसको धीरे से फिर अपने कब्जे में लाने की कोशिश कर रही है। और जब भी इसकी आवाज हम उठा रहे हैं जो बोलते हैं तो हमको नक्सलाइट बोला जाता है, वहाँ का कोई पॉलिटिकल लीडर भी अगर इस मुद्दे को उठाते हैं तो ये किया जाता है। तो ये कुछ स्टूडेंट है ये है, तो वही हम कह रहे हैं कि विकास जरूरी है, हम भी इस विकास के समर्थन, पर ऐसा विकास नहीं होना चाहिए जिससे एक मानवता की हत्या हो। Thank you.